एक एक करके भारत के सभी राजा मुगल साम्राज्य के आगे घुटने टेक चुके थे, लेकिन भारत का एक राजा ऐसा था जो मुगल सम्राट अकबर के नाक में दम करके रख रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुगल सम्राट अकबर उस राजा से परेशान होकर उसके सामने एक शर्त रखता है कि तुम चाहो तो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के अधीन होकर राज करो। लेकिन भारत के इस महान राजा को अपना आत्मसम्मान इतना अधिक प्यारा था कि वो अकबर के हर प्रस्ताव को ठुकरा कर उससे युद्ध करना सही समझता है। भारत के इस महान राजा का नाम था महाराणा प्रताप सिंह, एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनकर अकबर के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे, एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनकर अकबर के सारे योद्धा कांपने लगते थे। और आज के वीडियो में हम आपको उसी महान शख्सियत के कुछ ऐसे किस्सों को सुनाएंगे जिसे सुनना हर एक हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। दोस्तों, महाराणा प्रताप के पिता का नाम राजा उदय सिंह था, जिनकी एक नहीं बल्कि 20 पत्नियां थी, और 20 पत्नियों से उनके कुल 33 बच्चे हुए थे, और उन्हीं 33 बच्चों में से एक थे महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 9 मई साल 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ। महाराणा प्रताप जब बहुत छोटे थे तभी से उनके अंदर ऐसे ऐसे गुण दिखाई देते थे जो कि एक महान राजा के अंदर होने चाहिए। सिर्फ दरबार के लोग ही नहीं बल्कि राज्य के लोग भी इस बात पर यकीन करने लगे कि जब महाराणा प्रताप बड़े होंगे तो वही उनके राजा बनेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महाराणा प्रताप के पिता उदय प्रताप सिंह ने अपनी पसंदीदा पत्नी की बातों में आकर महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल सिंह को वहां का राजा घोषित कर दिया। उदय प्रताप सिंह के द्वारा किया गया ये एक ऐसा काम था जिसे सुनकर पूरा राज्य दुखी हो गया। दोस्तों, राजा उदय सिंह जी की 20 पत्नियों में से एक थी रानी धीरभाई भटियाणी। धीरभाई उदय सिंह की सबसे पसंदीदा पत्नी थी और धीरभाई चाहती थी कि उनके बेटे जगमाल सिंह को मेवाड़ का राजा बनाया जाए। राजा उदय सिंह बिना कुछ सोचे समझे ही जगमाल सिंह को मेवाड़ का राजा बना दिए, जबकि वो इस योग्य था ही नहीं। ये बात साल 1572 की है जब खराब सेहत की वजह से राजा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ के दरबारियों ने आपस में फैसला किया कि जगमाल को राजा के पद से हटाकर महाराणा प्रताप को वहां का राजा बना दिया जाए, जिसके बाद दरबारियों ने जगमाल सिंह को राजा के पद से हटाकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। और यहीं से शुरू होती है मेवाड़ के इतिहास की एक अनोखी दास्तान। वहीं दूसरी तरफ उस वक्त भारत के अधिकतर हिस्सों में मुगल साम्राज्य का आतंक था। उस वक्त अकबर मुगल साम्राज्य के सम्राट हुआ करते थे। अपने राज्य का विस्तार करते करते भारत के अनेक राजाओं को अपने अधीन कर चुके थे और बचा था तो सिर्फ और सिर्फ एक महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह का जो मेवाड़ था वो किसी भी कीमत पर अकबर अपने कब्जे में लेना चाहता था, क्योंकि अकबर के व्यापार का जो रास्ता था वो मेवाड़ से ही होकर गुजरता था। यही वजह है कि अकबर एक एक करके अपने हर सेनापति को महाराणा प्रताप के पास भेजता था और महाराणा प्रताप को तरह तरह की लालच देते थे। यहां तक कि मेवाड़ को अपने कब्जे में लेने के लिए अकबर ने यह तक कह दिया कि चाहो तो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के झंडे तले आकर काम करना होगा। महाराणा प्रताप हर बार अकबर के प्रस्ताव को ठुकराते रहे। आखिरकार अंत में परेशान होकर अकबर ने युद्ध करने की सोची। और ये बात है महाराणा प्रताप के राजा बनने के महज 3 साल बाद, यानी कि 1576 की, जब हल्दीघाटी के मैदान में एक तरफ अकबर की विशालकाय सेना मौजूद थी और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराणा प्रताप के पास अकबर की तुलना में आधे से भी कम सैनिक मौजूद थे। जहां अकबर की टोली में 80,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद थे, वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की टोली में महज 16,000 की संख्या में सैनिक थे। लेकिन इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने अकबरी सेना का वो हाल किया जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस युद्ध को हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा गया था। ये एक ऐसा मैदान है जो अरावली की पहाड़ियों के बीच मौजूद थी। अरावली की पहाड़ियों में ऐसी ऐसी जगह मौजूद है जिसके बारे में अकबर की सेना को कुछ भी मालूम नहीं था, और महाराणा प्रताप की सेना अरावली के हर छोटे छोटी जगह के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। महाराणा प्रताप बड़ी चालाकी से अपनी सेना के हर छोटे छोटे टुकड़े को अरावली की पहाड़ियों में छुपा कर रखे थे, और इसी चाल की वजह से महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना अकबर की विशालकाय सेना पर भारी पड़ गई। दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह के बारे में बताया जाता है कि उनके शरीर का आकार आम इंसान के शरीर के आकार से काफी ज्यादा था।
उनके शरीर का आकार कितना बड़ा था और उनके अंदर कितनी अधिक ताकत थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि युद्ध के दौरान वो 70 किलो का तो कवच ही पहन लेते थे। उनके हाथ में 80 किलो के वजन का भाला हुआ करता था और उनकी तलवार का वजन भी 10 किलो से ज्यादा ही होता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 80 किलो के भाले से अगर किसी के ऊपर हमला करते होंगे तो उसका हाल क्या होता होगा। महाराणा प्रताप सिंह के बारे में एक किस्सा और बताया जाता है। अकबर के सबसे बड़े सेनापतियों में से एक था बहलोल खान। अकबर अपने उस सेनापति को सबसे योग्य सेनापति मानते थे, लेकिन युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने अपने तलवार के एक वार में ही घोड़े सहित बहलोल खान के शरीर के दो टुकड़े में बांट दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप के अंदर कितनी ज्यादा ताकत थी। उनके ऐसे खतरनाक अंदाज की वजह से अकबर जैसा राजा भी महाराणा प्रताप से डरता था। युद्ध के दौरान एक बार भी अकबर की हिम्मत इतनी नहीं हुई कि वो महाराणा प्रताप के सामना कर सके। खैर, ये तो हो गई महाराणा प्रताप की बात, लेकिन उनका घोड़ा चेतक भी किसी से कम नहीं था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक जैसा घोड़ा दोबारा कभी पैदा नहीं हुआ। उनका घोड़ा नीले रंग का था, जिसे अफगान से लाया गया था। महाराणा प्रताप अपने इस घोड़े से बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन उस दिन युद्ध के दौरान ऐसा वाकया हुआ जिसने महाराणा प्रताप से उसका सबसे प्रिय घोड़ा हमेशा के लिए छीन लिया। उस वक्त युद्ध के दौरान अकबर के मुख्य सेनापति मान सिंह एक हाथी पर बैठकर महाराणा प्रताप के सैनिकों को एक एक करके मारता जा रहा था। महाराणा प्रताप ऐसा होते हुए देखकर तुरंत अपने चेतक को मान सिंह की तरफ मोड़ लिए। चेतक ने एक लंबी छलांग लगाई और अपना अगला पैर मान सिंह के हाथी के ऊपर पहुंचा दिया। अकबर ने अपने भाले से मान सिंह के ऊपर एक भयंकर प्रहार किया, लेकिन तभी अचानक से उस हाथी का महावत मान सिंह के बीच में आ गया। उस वक्त युद्ध के दौरान हाथियों की सूंड में तलवार बांध दिए जाते थे। हाथी ने जैसे ही अपनी सूंड को घुमाया, चेतक का अगला पैर कट गया। पैर कटने की वजह से चेतक बुरी तरह से घायल हो गया। अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो महाराणा प्रताप को संभाल सके। महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े को घायल देखकर अकबर के सैनिक महाराणा प्रताप को घेरने लगे, लेकिन चेतक अपने शरीर के अंदर बची हुई ताकत को एक बार फिर से इकट्ठा करता है और उठ खड़ा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक पैर कटा होने के बावजूद भी चेतक उठा और तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। सामने एक 22 फीट चौड़ा नाला मौजूद था और पीछे अकबर की विशाल सेना महाराणा प्रताप को घेर रखी थी। चेतक एक पैर कटा होने के बावजूद भी इतनी तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ आया, उछला कि वो 22 फीट चौड़े नाले की छलांग को पार कर गया और मरने से पहले महाराणा प्रताप सिंह को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा गया। इस युद्ध में तो महाराणा प्रताप सिंह की हार हो गई, लेकिन महाराणा प्रताप सिंह की वीर गाथा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में कैद हो गई। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में छुपकर रहने लगे। अकबर को लगता था कि अपने हालात से तंग आकर एक दिन ऐसा आएगा जब महाराणा प्रताप उसके आगे घुटने टेक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराणा प्रताप जंगल में रहने लगे। घास फूस, कच्चा पक्का जो भी मिलता रहा वो पेट भरकर खाते रहे और उस दौरान वो लगातार ऐसी रणनीति बनाते रहे कि कैसे भी करके अकबर को मेवाड़ से दूर रखा जाए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी अकबर कई सालों तक अलग अलग तरीके से महाराणा प्रताप सिंह को हराने की कोशिश करते रहा, लेकिन अकबर के हर कोशिश को नाकामयाब करने के लिए महाराणा प्रताप अकेले काफी थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकबर कुछ ही दिनों में जंगली लोगों को जोड़कर अपनी नई सेना तैयार कर लेते थे और अकबर के सिपाही जब महाराणा प्रताप पर हमला करते तो महाराणा प्रताप के द्वारा तैयार किए गए सैनिक अकबर के सैनिकों को मौत की नींद सुला देते थे। और आखिरकार अकबर को यह स्वीकार करना ही पड़ा कि महाराणा प्रताप के मेवाड़ को कभी अपने कब्जे में नहीं लिया जा सकता। अंत में हार कर अकबर ने मेवाड़ को हमेशा के लिए छोड़ दिया, जिसका फायदा उठाकर महाराणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ पर एक बार फिर से अपना कब्जा कर लिया और अपने साम्राज्य को खड़ा किया। ये बात 1597 की है, जब महाराणा प्रताप जंगल में एक एक शेर से लड़ाई करने के दौरान घायल हो गए। शेर ने उनके ऊपर बुरी तरह से हमला कर दिया था और 56 साल की उम्र में शेर के हमले की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। आज सैकड़ों साल बीत चुके हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के पराक्रम को आज भी याद किया जाता है। आज भी युवाओं के मन में जोश भरने के लिए महाराणा प्रताप की वीर गाथा को सुनाया जाता है कि कैसे अपने हिम्मत के दम पर उसने अकबर जैसे विशाल साम्राज्य के सम्राट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहती है।